आज हमारा लेसन है द लास्ट स्टोन मेसन। चलिए इस लेसन का तर्जमा और इस लेसन को पढ़ते हैं, तर्जमा देखते हैं। आ जाइएगा आप चैप्टर नंबर 13 पर और सफा नंबर इसका बनता है क्या, सफा नंबर 204 है। चैप्टर नंबर 13 द लास्ट स्टोन मेसन। स्टोन इंग्लिश में पत्थर को बोलते हैं, मेसन जो है बोलते हैं मिस्त्री को। मिस्त्री जानते हैं, मैमार मिस्त्री। स्टोन मेसन बोलेंगे पत्थर तराश को। स्टोन मेसन बोलेंगे पत्थर तराश, यानी पत्थर को तराश कर, संग तराश, पत्थर को तराश कर उसकी मूर्ति बनाने वाला या उसका काम करने वाला, ठीक है, इस तरीके का काम करने वाला, उसको बोलेंगे क्या, संग तराश। द लास्ट स्टोन मेसन, जो हमारा राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री जो घर वर बनाते हैं उसको भी मेसन बोलते हैं, उसको भी मेसन का लफ्ज उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज आर डाइंग आउट। ट्रेडिशनल रिवायती, यानी के जो क्या कहते हैं, नस्लन बाद नस्लिन एक दूसरे से मुंतकिल होता हुआ चलता चला आता है, ऐसा काम जो हमारे बाप दादा ने किया, उनके बाप दादा ने किया, ठीक है, ऐसे काम को ट्रेडिशनल काम बोलते हैं, रिवायती। ट्रेडिशनल आर्ट्स, आर्ट्स बोलते हैं फन को, आर्ट बोलते हैं इसको, फन को, फन, और आर्ट की जमा होती है आर्ट्स, उर्दू में उसको फन की जमा हो जाती है फनून, फनून। फन वाहिद है, सिंगल सिंगुलर है, और फन की जो जमा होती है वो होती है फनून उर्दू में। क्राफ्ट्स, क्राफ्ट बोलते हैं दस्तकारी को, दस्तकारी, दस्तकारी बोले तो अपने हाथ से कोई हाथ का हुनर, दस्तकारी किसको बोलेंगे, कोई हाथ का हुनर, जैसे क्या कहते हैं, आप अपने हाथ के हुनर से कोई मूर्ति बनाना जानते हों, या आप जो है लिखना जानते हों, या आप कोई चीज़ जो है बुनना जानते हों, या आप कोई चीज़ मान लीजिए लकड़ी के आप कंघी बनाना जानते हों, लकड़ी लेकर लकड़ी की आप कंघियाँ बना लेते हों, ठीक है, या आप जो है क्या कहते हैं लकड़ी की प्लेट बना लेते हों, इस तरीके का कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपने हाथ के हुनर का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्राफ्ट, ठीक है, दस्तकारी उर्दू में बोलते हैं। विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड हेरिटेज, हेरिटेज बोलते हैं मीराथ को, मीराथ और तरका। आर डाइंग आउट, टू डाई आउट, डाई बोलते हैं मरना, ठीक है जी, यहां पर मतलब है उसका रिवाज खत्म होना, डाई का मतलब यहां पर क्या है, रिवाज खत्म होना। ये थोड़ा सा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा तर्जमा, आवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हमारे रिवायती आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, या हमारे रिवायती फनून और दस्तकारियाँ, विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड हेरिटेज, जो हमारे विरसे और हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है, ठीक है, हेरिटेज इसका तर्जुमा किया मैंने विरसा, जो हमारे विरसे और हमारे विरसा, विरासत वाला विरसा, जो हमारे विरसे और हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है, आर डाइंग आउट, वो उनका रिवाज ख़त्म हो रहा है, वो रिवाज से बाहर जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, वो राइजुल वक्त नहीं रह रहे हैं, वो राइजुल वक्त नहीं है, डाइंग आउट। व्हाई आर दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डाइंग आउट, ये जो रिवायती हुनर हैं या दस्तकारी हैं, व्हाई आर दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डाइंग आउट, ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, मे बी, शायद, मे बी के माना शायद,
हो सकता है शायद. इट इज बिकॉज, ऐसा इस वजह से है क्योंकि द हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेड डज नॉट फेच मच मनी. हैंडीक्राफ्ट भी वही है जो क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट भी दस्तकारी को ही बोलते हैं. क्योंकि ऐसा, शायद ऐसा इस वजह से है क्योंकि दस्तकारी का बिजनेस, ट्रेड बोलते हैं तिजारत को, ट्रेड बोलते हैं किसको, तिजारत, जो दस्तकारी की तिजारत है डज नॉट फेच मच मनी, वो ज्यादा पैसा नहीं लाती है, वो ज्यादा पैसा आपको कमाकर नहीं देती है. आर्टिसंस स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट. आर्टिसन, आर्ट बोलते हैं फन को, और आर्टिसन बोलते हैं फनकार को, ठीक है जी, आर्टिस्ट भी बोलते हैं आर्टिसन, आर्टिसंस फनकार. आर्टिसंस स्ट्रगल हार्ड, आर्टिसंस यानी फनकार को बहुत परेशानी, बहुत जद्दोजहद और बहुत मशक्कत उठानी पड़ती है टू मेक बोथ एंड्स मीट. टू मेक बोथ एंड्स मीट ये एक फ्रेज है, इसके माना होते हैं क्या, जरूरियात पूरी करना, अपनी जरूरत, अपनी जरूरतों को पूरा करना. तो फनकारों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है अपनी जरूरतों को पूरा करने, ठीक है जी, टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपनी जरूरतों को पूरा करने में, यानी कि खर्चा पानी जो है नहीं चल पाता है आमतौर पर हैंडीक्राफ्ट का अगर कोई काम कर. पहले मिसाल के तौर पर अभी भी बल्कि जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, कोई पोछा बुनता है, इससे पिछले वाले उसमें अपने व्यूअर्स वाला जो लेसन पढ़ा उसमें यही है कि मतलब कोई जो है कुछ कपड़े बुन रहा है, ठीक है, कोई जो है क्या कहते हैं कालीन बुन रहा है, या कोई जो है कारपेट बुन रहा है, ठीक है जी, या कोई स्वेटर बुन रहा है. आमतौर पे अब ये सब चीज़ें जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ये सब चीज़ें मशीनों से और बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन होता है इनका. अब ये फर्दन फर्दन आदमी इसको नहीं करता, और अगर कोई करे तो उसने ज्यादा पैसा भी नहीं है. आमतौर पर आजकल तमाम चीजें जो हो गई हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पर होती हैं, और इन तमाम चीजों का मास प्रोडक्शन होता है, मशीनों से ये चीजें बनाई जाती हैं. और जो काम क्या कहते हैं एक आदमी अगर अपने तौर पर करे, जिसको करने में उसको एक दिन का एक हफ्ते का वक्त लग रहा है, वो चंद मिनटों में तैयार हो जाती है फैक्ट्रीज वगैरह में. तो इस वजह से जो दस्तकारी है, जो हाथ का हुनर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और उसकी जगह मशीनें और कंप्यूटर्स और कंप्यूटराइज्ड जो सामान है वो अब मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है.